अरे यही पुलिस के बदल पर तो मुंबई चल रही है, यही पुलिस के बदल तो तू घर से निकल रहा है, यही पुलिस के बदौलत तू बच्चों पे जाके बोलता है कि इबादत गाँव में लोगों को घुस के मारेगा, ये बोलता है ना, यही पुलिस के बदौलत, पुलिस हर जाए ना तो तेरी माँ ने इतना दूध नहीं पिला कि तू घर से बाहर निकल के जाए, किसी मामले में चल नहीं पाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सबसे पहले अगर जूते से इसको कोई मारेगा तो हमारे हिंदू भाई बहन ही मारेंगे, तो उनको भी ये चीज पसंद है। हमारे पुलिस वाले की वीडियो ने कहा तो हमारे बच्चों के बारे में ऐसा होता है, पुलिस वाले भी 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, पुलिस वाले भी इंतजार कर रहे हैं कब 23 तारीख आए और इनके ऊपर से एफ आई आर करते हैं, अरेस्ट करते हैं, 30-30 हो गए एफ आई आर, 35-35 एफ आई आर हो गए, अरेस्ट नहीं कर रहे, खुला छोड़ रखा, जाओ इस धर्म को गाली दो, जाओ उन लोगों को गाली दो, जाओ यहाँ पे आके गाली दो। अगर मेरी सरकार आती है और आपका भाई कुछ बनता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ मालवनी मराठ को छोड़ो, तू पूरे महाराष्ट्र में जाके किसी भी धर्म के बारे में एक लक्ष्य छोड़ के बताना, तेरे को तेरी छठी का दूध आगे मिला तो आपका ऐसा थोड़ी है कि आप किसी के धर्मों के बारे में कुछ बोलो और बोल के चले जाओ, कोई कुछ बोलेगा नहीं। दूसरे के धर्मों की इज्जत करना, दूसरे को सम्मान देना, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना, ये हमारी संस्कृति, ये हमारा संस्कार। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप चला रहे, कोई बोलने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। अरे तुम 10 क्या संभालोगे, तुमसे तो तुम्हारा आमदार नहीं समझ रहा है, तुम्हारा खासदार नहीं समझ रहा है, तुम्हारे आमदार और तुम्हारे खासदार तो महिलाओं को जो पैसे मिल रहे हैं उनको पूछो से बोलते हैं कि चुपचाप जहाँ बुलाता हूँ वहां रैलीज में आओ, चुपचाप जो बोलता हूँ वो करो, और नहीं तो हमें तुम्हारे घर का पता मालूम है, तुमसे पैसे भी ले लिए जाएंगे और तुमको हम बता भी देंगे। यानी धमका रहे हमारी माँ बहनों को, आप पैसे दे रहे हो कि तुम्हारी खेती बेच के थोड़ी दे रहे हो, ये टैक्स का पैसा है, सरकार का पैसा है, वो आप देने का काम कर रहे हो। आज कोई सुनवाई नहीं है, चर्चा ही नहीं है, पूरे मुंबई शहर का धन, पूरे मुंबई शहर में आने वाला बिजनेस आप यहाँ से गुजरात ले जा रहे हो, ये बच्चे इसको नौकरियां कहां से आएंगी, ये बच्चों को आमदनी कहां से आएगी, महाराष्ट्र में पैसे कहां से आएंगे, मुंबई में पैसे कहां से आएंगे, हर चीज में भ्रष्टाचार आ जाता है। और एक आधे बुबड़े को छोड़ रखते हो, इसको परेशान करो, उसको परेशान करो, उसको परेशान करो, सही टाइम आएगा तो तेरी जबान का भी इलाज जो है वो महाराष्ट्र सरकार करेगी। आप जो है आज देखिए ना, कौन से कैंडिडेट आपके सामने खड़े, खुद के रहने का घर नहीं, भाड़े पे रहते, भाड़े पे रहते, दो लोगों को तो अंधेरी से पकड़ के लाए, क्योंकि यहां पर मुझे मैं उन महिलाओं की बात करते 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 महिलाओं को बुलाया गया था कि पैसे देकर यहां बैठिए यहां पे और भाषण सुनिएगा। जब उप मुख्यमंत्री ने ऐसी बात कही मजहब को लेके, सारी की सारी महिलाएं, सारे के सारे पुरुष उसी वक्त खड़े हो गए, अपनी मजदूरी भी ले लिए और वहां से उसके चले आए, ये बता दिया कि हम ठीक है गरीब हैं लेकिन रिलीज नहीं है, हम हमारे मजहब के बारे में कुछ सुनेंगे नहीं, हमारे कौम के बारे में कुछ सुनेंगे नहीं, और उठ के चले आए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने उठ के चले आए, ये बता दिया कि हम जो है अपना जमीर नहीं रह सकते, हम गरीब जमीर हैं। तो ऐसे भी जो लोग हैं, लेकिन आप ये याद रखना, एक वोट भी मत देना किसी को, एक वोट खराब मत करना। आज भी हर जगह जाते हैं, आप खुद भी अपने तालुका गांव में आपके मराड़ में सबसे सबसे पूछिए, ऐसा आदमी जिसको कोई जानता नहीं, जिसको कोई मानता नहीं है, लड़ना ही नहीं चाहता अपने मराड़ में, जब वो देखता है यहाँ गर्दी, यहाँ गर्दी, यहाँ गर्दी, कोई लड़ना ही नहीं चाहता है, बोले असलम भाई के सामने कौन लड़ेगा, हारना ही है, तो हर साल पकड़ के किसी ना किसी को बाहर से इनके पास एक भी पहलवान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने घूमते हैं यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद, उनके पास कोई ऐसा हिम्मत वाला मर्द नहीं है जो लड़ सके, हमेशा बाहर से लड़ते, तैयारी नहीं है उनके पास, मलाड़ में एक कार्यकर्ता नहीं, एक नेता नहीं जिसकी हैसियत हो जो आके लड़े आपके बाहर, क्योंकि हर धर्म का वोट मिलता है, हर जाति के लोग अपनी इज्जत कर रहे हैं, इसीलिए बाहर से लड़ते हैं।